हरियाणा सरकार की प्राण वायु देवता स्कीम के तहत फरीदाबाद जिले में अब तक 150 ऐसे पेड़ों को चिन्हित किया गया है जो 75 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। उन्हें सरकार की तरफ से 2500 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा वन विभाग द्वारा पेड़ों को चिन्हित किया जा रहा है। जिला वन अधिकारी IFS राजकुमार का कहना है कि सरकार की तरफ से ये स्कीम लाई गई है जिसके लिए बाकायदा पेड़ को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। पेड़ों की कंप्लीट गिनती होने के बाद उन्हें पेंशन के तौर पर हर साल 25 रुपये सालाना दिया जाएगा ताकि पुराने ऐतिहासिक पेड़ों को बचाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता स्कीम के तहत फरीदाबाद जिले में अब तक 150 ऐसे पेड़ जो चिन्हित किए गए हैं जो 75 वर्ष से ज्यादा हो चुके। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने जिला वन अधिकारी IF राजकुमार से खास बातचीत की। हरियाणा सरकार की पवन वायु देवता स्कीम के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो जिले के तमाम 75 वर्ष से ऊपर के आयु के पेड़ हैं उनका अब ध्यान रखा जा रहा है, उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। हमारे साथ में जिला वन अधिकारी हैं राजकुमार, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक पवन वायु स्कीम है जो देवता स्कीम, किस तरह से स्कीम है, क्या इसका काम होगा? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इस साल ये सोचा है कि जो पुराने हमारे जो पेड़ हैं, जो काफ़ी पुराने हैं, उनको ध्यान रखने के लिए एज ए हेरिटेज ट्री या फिर उनके जो उनका महत्व है हमारे इन्वायरमेंट में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए उसका एक पेंशन स्कीम स्टार्ट करने का प्रावधान है। जो स्कीम अभी अनाउंस हुई है बट उसकी जो मॉडलिटीज़ है, जो उसकी कंडीशंस है, वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, वो धीरे धीरे अनाउंस हो जाएगी। पर हमें उसके लिए कार्य दिया गया है कि आप 75 साल से ऊपर जो आपको लगता है उसको आप आइडेंटिफाई किए। इस कार्य के लिए हमने अराउंड 150 प्लांट्स जो ट्रीज हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे उसकी मॉडलिटीज फाइनल हो जाएगी ना, उसके बाद हम उसको फाइनल वो दे देंगे कौन किस किस को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि 150 के करीब आइडेंटिफाई जिले में ऐसे पेड़ों को किया गया है, एक तो जो स्कीम के तहत जो पेंशन मिलनी है वो कितनी है, और अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है? पेंशन जो पर प्लांट मिलनी है वो अभी 2500 अनाउंस किया गया है, और जो क्राइटेरिया अभी जो रूडिमेंट्री सा क्राइटेरिया है वो ये है कि उसका गर्त कितना है। अगर गर्त 200-250 सेंटीमीटर से ऊपर है, मतलब 2-3 मीटर से ऊपर है, तो हम उसको उस लिस्ट में ले रहे हैं। बट इसमें अदर भी क्राइटेरिया होगा क्योंकि सभी ट्रीज़ की जो ग्रोथ रेट है वो अलग अलग है, तो उसके ऊपर से डिसाइड होने के बाद ही हम फाइनल कर पाएंगे। बट अभी क्राइटेरिया केवल ये है, या तो लोगों से पूछ के कि भाई कितना पुराना है या फिर उसकी गर्द कितनी है, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर रहे हैं उसको। इसका मकसद क्या है आखिर, इस तरह की जो पेंशन योजना शुरू की गई है, अब तक ये पहली बार ऐसा हो रहा है शायद कि पेड़ों को पेंशन दी जाएगी, और इसका हकदार जो होगा वो कौन होगा? इसका हकदार जिसकी ज़मीन में पेड़ होगा, अभी इसके बारे में एक्चुअली डायरेक्शंस नहीं इश्यू हुई है, बट जहाँ तक मुझे पता है ये उसको मिलेगा जो उसकी देखभाल कर रहा है, ताकि उसकी फर्दर देखभाल की जा सके। और इस स्कीम का जो लाने का महत्व, ये एक तो लोगों को जागरूक करना कि पेड़ हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, और दूसरा जो बहुत पुराने ट्री हैं जिन्होंने इतना अपना कंट्रीब्यूशन किया है, उनका ख्याल रख पाएं इस पैसे की मदद से। तो इसका दो ही इसके मेन जो मोटिव है वो यही है। क्या लगता है आपको, कब से ये पेंशन स्कीम शुरू हो जाएगी, या जब तक हरियाणा के कितने, अगर जिले की भी बात करें तो 150, क्या ये संख्या और भी बढ़ सकती है अभी? जी, ये संख्या बढ़ सकती है। अभी हमने एक प्रिलिमिनरी जो सर्वे किया है उसके हिसाब से ये संख्या हमने ली गई है, बट उसके जैसे जैसे सर्वे बढ़ता रहेगा तो इसका नंबर बढ़ सकता है। पेंशन कब तक शुरू हो जाएगी, संभावना कब तक? संभावना इस साल का अनाउंस हुआ है तो ये ऊपर डिसाइड होना है पंचकुला या चंडीगढ़ में कि ये स्कीम की मॉडलिटीज़ कब तक फाइनल हो जाएंगी और उसके बेसिस पर ये स्कीम कब से स्टार्ट हो जाएगी, इसके बारे में यहाँ पे कहा जाना थोड़ा मुश्किल है। ये थे हमारे साथ में IFS राजकुमार, जिला वन अधिकारी फरीदाबाद, जिनका साफ तौर से कहना है कि ये स्कीम शुरू की गई है पेड़ों को लेकर जिनकी 75 वर्ष से ज़्यादा की आयु है, उनके जो मालिक हैं उनको 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी, और जल्द ही इस स्कीम को शुरू भी कर दिया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। मीडिया में एक बात चल रही है कि कांग्रेस हरियाणा प्रदेश से चले,
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस बीच रुकते हैं ब्रेक के लिए।